हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे पाइथन सीरीज के ट्यूटोरियल्स की। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको आपका ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें आपको सर्च करना है पाइथन इंस्टॉल। तो आप पाइथन इंस्टॉल सर्च कर दीजिए और एक लिंक आता है python.org की तरफ से, उस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड पाइथन 3.9.5 पर क्लिक कर दीजिए। और ये आप देख सकते हो, मेरा डाउनलोड हो चुका है पहले से ही। मैं इसे ओपन कर लूँगा और यहाँ पर आपको एड पाइथन 3.92 पाथ चेक करना है और इंस्टॉल नाउ पर आप क्लिक कर दीजिए। और ये आप देख सकते हैं, इंस्टॉल हो रहा है। तो पाइथन यहाँ पर मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अगर सेटअप और सक्सेसफुल आ गया है तो मतलब आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो क्लोज पे क्लिक कर दीजिए आप। और इसके बाद हम विंडोज़ में हमारे सिस्टम में सर्च करेंगे पाइथन आइडियली। ये है वो आइडियली सॉफ्टवेयर जिसमें हम कोड करेंगे। तो आपको वो सर्च करना है और किस तरह से कोड करते हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। पर ये मेरा आइडियल विंडो ओपन हो चुका है। और इस विंडो में भी दो विंडोज़ होते हैं, एक होती है शेल विंडो और दूसरी होती है एडिटर विंडो। तो ये जो है ये विंडो शेल विंडो है। और अगर आपको एडिटर विंडो में जाना है तो आपको बस क्लिक करना है फाइल पर। आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए फाइल पे। तो फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल ओपन कर लीजिए। और ये आप देख रहे हैं, ये है हमारी एडिटर विंडो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से कोड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय।